चालान परमिट को रिन्यू करने के लिए भेड़पालकों को जहां पहले अपने जिला में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भेड़पालक किसी भी जिला में होते हुए अपना परमिट रिन्यू करवा सकेंगे। भेड़ बकरियां चराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भेड़पालकों को दिए जाने वाले परमिट की वैधता को 6 साल कर दिया गया है। बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द भेड़पालक और जो स्पेशली जो पैदल चलते हैं और कई हजारों किलोमीटर अपनी जिंदगी में सफर तय करते हैं, उनको बहुत सी मुश्किलें आती हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं और किसी ने इसके बारे में एक्शन नहीं लिया। हम लोग लगातार भाजपा की सरकारें जो हैं इसके बारे में काम करती रही और हम पिछले 1 साल से हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कार्य किया है और ये 3 महीने में दूसरी बैठक जो है अपने आप एक रिकॉर्ड है और वो भी शिमला से बाहर धर्मशाला में इसका करने का हमने प्रयास किया और आज आपके सामने बैठक कर रहे हैं। ये जो इंसेंटिव हम दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 11 जानवर जो है जिसको हम 11 पैरों कहते हैं, ये हम 22,000 रुपये में बिल्कुल सब्सिडी भी दे रहे हैं। समझ लो ये कि ये 80-20 की सब्सिडी है और इनके साथ इनको किट्स दे रहे हैं हम, इनको रक्सैक्स दे रहे हैं, स्लीपिंग बैग्स दे रहे हैं, सारा मेडिसिन का बैकअप दे रहे हैं, वेटनरी का बैकअप दे रहे हैं, एम्बुलेंस का बैकअप दे रहे हैं। ये चारे रूट्स को डिजिटलाइज करके इनको डिस्ट्रेस कॉल के लिए हम के ऊपर हम IT में काम कर रहे हैं ताकि ये सारे इनिशिएटिव हम इसके बाद जो है इसका जो मीट की क्वालिटी है उसको हम ऑर्गेनिक के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक मीट का रेट कई जो है गुना महंगा है बाज़ार से, 1,000 से लेकर 5,000 रुपये किलो तक ये ऑर्गेनिक मीट बिकता है। इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी कैनिंग, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इसको इसलिए सारा किया जा रहा है ताकि इसको हम कमर्शली वाइबल करें और आने वाली पीढ़ी जो है अपने आप को इसमें ये फील करें कि मैं अपने आप को इस काम में डालूं और मैं इस काम को लूं तो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी, मैं अपने काम का मालिक भी होगा और अच्छे पैसे भी कमाऊंगा। ये सारा विषय आगे जी इनके भेड़ों के ऊपर, चोरी के ऊपर, इनके जो कैटल मर जाते हैं उनके ऊपर मुआवजा उत्तम मिले, प्रॉपर वेटनरी की उनको बैकअप मिले ताकि उनका पोस्टमार्टम टाइम पे हो सके, जितने पशु मरे हैं उस पशु का जो पूरा, ताकि चलते फिरते जिम्मेदार के लिए कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए हम बच। परमिट पहले 1 साल के लिए होता था जी, फिर उसको 3 साल के लिए किया हमारी गवर्नमेंट ने, अब आगे इसको धूमल जी ने 1 से 3 किया था, हमने 3 से 6 किया। अब हम आज की बैठक में निर्णय लेके इसको कैबिनेट में लेके जाएंगे ताकि परमिट को आसान किया जाए, नए बच्चों को परमिट के लिए परमिशन दी जाए और जहाँ पे भी अपना परमिट रिन्यू कराना चाहें उसको वहाँ रिन्यू करने की अनुमति मिले।